एक बार हम फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के बाहर खड़े हैं, जहां पर आज एक 84 साल रिटायर्ड टीचर की कोविड पॉजिटिव की वजह से मौत हो गई। ये रिटायर्ड टीचर पिछले हफ्ते कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। जब इनको आज हॉस्पिटल में लाया गया तो डॉक्टरों ने इन्हें जो है वो मृत घोषित किया। हमने देखा कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये अभी तक चौथी मौत है और पिछले 4-5 दिनों में ये तीसरी मौत है, जिनमें दो लेडीज़ जो पिछले हफ्ते में जो है वो गुजर गई थी, आज हमारे रिटायर्ड टीचर है वो गुजर गए। जबकि एडजॉइनिंग डोडा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 13 मौतें हुई हैं, जिनमें कल 5 मौतें जो हुई थी और उसमें कुछ मौत जो है वो गुंदो में भी हुई थी। तो कुल मिलाकर कोविड-19 जो है डोडा और किश्तवाड़ में पैर पसार रहा है। और हमने देखा कि जो किश्तवाड़ ज़िला हॉस्पिटल के जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द लैब टेक्नीशियन है और जो टेस्टिंग स्टाफ है वो जो है पॉजिटिव निकला है। और कुल मिलाकर अभी तक जो है 15 से ज़्यादा के करीब हॉस्पिटल स्टाफ और हेल्थ ऑफिशल्स जो है वो अभी तक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पॉजिटिव पाए गए हैं। हमने देखा कि आज हमने उन लोगों से भी बात की जो यहाँ पर डेड बॉडीज़ को या कोविड पेशेंट्स को जो है वो अटेंड करते हैं। वो स्वीपर हैं जिनकी सिर्फ 3-3.5 हज़ार तनख्वाह है और पिछले 12 से 14 सालों से जो है वो काम कर रहे हैं और उनको जो है वो अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हेल्थ मिनिस्टर्स हमारे हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और सरकार ने कहा है कि जो कोविड वॉरियर है, जो इस वक्त फ्रंट पर काम कर रहे हैं, उनको हर फैसिलिटी दी जाएगी। उनकी उनको TA मिल रहा है एक्स्ट्रा, उनको DA मिल रहा है, उनको अदर अलाउंसेस मिल रहे हैं। लेकिन जो ये स्वीपर जो डेड बॉडीज़ को और बाकी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको अटेंड करते हैं, यहाँ के हॉस्पिटल की सफाई करते हैं, वो आज भी जो है वो 3.5 हज़ार या 3 हज़ार पर जो है वो नौकरी कर रहे हैं। आपकी कुछ ग्रेवेंसेज है सीरीज को और रेगुलराइजेशन की, क्या मसला है आपका? सर हमको ये 3.5 हज़ार इधर गवर्नमेंट मिल रही है, यहाँ इतनी जितनी भी मौतें हो रही है, हम ही 4 बंदे होते हैं स्वीपर, बाकी तो कोई नहीं आता है। इनकी 30 हज़ार 35 हज़ार तनख्वाह वो नहीं आते हैं, हम कोई फ़ोन करते हैं, हम ही इनको जो भी होता है हम ही कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो आप कब से नौकरी कर रहे हैं? हमको कोई 10-12-13 साल हो गए सर। तो गवर्नमेंट क्या बता रही है आपको, रेगुलराइज अभी तक नहीं किया? कोई नहीं सर, अभी तक तो कोई बात हुई नहीं इसके बारे में। बस कुछ नहीं सर, बस वही 3.5 हज़ार पेमेंट है, बाकी कुछ नहीं सर। काम सफाई का हो, कुछ भी हो सर, हम आगे होते हैं, सबसे आगे हम ही होते हैं। कुछ भी काम हो दिन को हम ही होते हैं सर, बाकी आपको कोई कोई आगे जो भी है, फिर भी हमारी गाड़ी जो है वही 100 रुपया गाड़ी हमारी है, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा हमें कुछ नहीं है। ड्यूटी तो पूरा टाइम लेते हैं, 24 घंटे हम ड्यूटी दे रहे हैं, रात को भी, सुबह भी, जिस वक्त ये फोन करते हैं हम हाजिर हो जाते हैं। इसलिए हम बोलना चाहते हैं, हमारे कल को हमको कुछ हो जाएगा सर, हम किसको बोलेंगे सर? वो 3 हज़ार वाले तो हमको कुछ नहीं देंगे, कल को हमको कोई पॉजिटिव निकल जाएगा घर में, हम हमको भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बोलना चाहते हैं कि हमको भी कुछ होना चाहिए, पेमेंट या सैलरी बताओ, कुछ ना होना चाहिए सर। इसके अलावा यहाँ पर HDF हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत भी जो है काफ़ी स्टाफ जो है वो कर रहा है, काम कर रहा है। और हमने देखा जब एक्सीडेंट्स होते हैं या किसी भी तरह की जो ट्रेजडी होती है किश्तवाड़ में, वो टांके लगाने में आगे होते हैं, पट्टी करने में आगे होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो रेगुलर स्टाफ से वो भी काफ़ी काम है और यहाँ पर काफ़ी पोस्टें भी जो है वो खाली है। तो कुल मिलाकर हम इस आप रिपोर्ट के जरिए जो है वो हम सरकार से अपील करते हैं कि जो यहाँ पर स्वीपर है और हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत जो
एम्प्लॉयज लगे हैं उनकी जो है वो सैलरी बढ़ाई जाए और कम से कम उनको उस दायरे में लाया जाए, कल को अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उनको जो है वो सरकार कंपनसेट जो है वो कर सके। मैं आसिफ नायक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ से।